पेंट होगा और ये पूरा बम्पर है यहाँ पे दे रहा है। करेंगे नहीं कुछ, पता कैसे चलेगा। आई सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। फिर से आ गए नए वीडियो में, नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो यार बहुत दिनों से वीडियो थोड़ी डिले चल रही है मेरी, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, बट क्या कर सकता हूँ यार। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी कि मैं ऐसा फंसा हुआ हूँ, एक साइड एग्जाम एक साइड कुछ और, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। थोड़ा सा नए नए ब्लॉग्स बनाने के लिए थोड़ा भी टाइम लगेगा, बट कुछ दिनों में लगातार लगातार ब्लॉग्स भर दूंगा यार, एक से एक नए नए जगह के, नए नए दिनों के। तो अभी आज कुछ निकल रहा हूँ बाहर, देखते हैं तो वो आपको दिखाता हूँ। थोड़ा आज मोटे ब्लॉग से थोड़ा हट के कुछ कर आ जाए, कुछ नया ट्राई करके दिखाता हूँ, कुछ आज बना के दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं, जहाँ से हमें निकलना है वहाँ पर पहुँच के डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। तो जरा वहाँ पे स्विच हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी गैरेज में आया, यहाँ पे ये मेरी गाड़ी लगी हुई है। तो इस गाड़ी के साथ हुआ गया यार, यहाँ पर हो गया इसका एक्सीडेंट, देख सकते हैं। यहाँ पे इसको ठोक डाला मैं दीदी है। बड़ा शौक था उसे गाड़ी सीखने का, पहले दिन गाड़ी सीखने गई और पता नहीं पिकअप वाले से ठोकवा के आ गई। तो मैं करने जा रहा हूँ ये कि मुझे ये गाड़ी को देने इंश्योरेंस में, तो इसे निकालते हैं और चलते हैं, क्योंकि यार बहुत इंश्योरेंस वाले इतना पैसा भरते हैं और उनसे लूटे भी ना, तो कोई बात नहीं। तो चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो एक बार फिर से आपको गाड़ी का हाल दिखा देता हूँ। यहाँ से ठुका, देखो इसका जो फ्रेम है, सारा फ्रेम ये सब निकल चुका है। यहाँ पे लाइट जो ऐसे हो चुकी है, बहुत गंदे तरह से ठोका, पता नहीं दीदी कैसे ठोक दिया। तो मतलब इसे बाहर बनाऊंगा तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए हम लोगों ने इंश्योरेंस में देने का फैसला किया है। और वो लोग बोल रहे हैं रिप्लेस कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, चलते हैं। गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है यार, मेरी बात है कि ये काम हो चुका है, हम लोग इंश्योरेंस वाला 10 दिन पहले ही हम लोगों ने बात करके रख ली है, तो ये जल्दी प्रोसीजर में चला जाएगा और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही बात करके रखी है, तो उतना हम लोगों ने इसे साफ ही नहीं किया, जानते थे कि इसे देना है, तो कुछ काम था इसलिए रुका हुआ था। बट अभी चलते हैं और इसे देते हैं। काफ़ी गंदी हो गई है, लेकिन उसके बाद एक लंबी सी राइड होगी गाड़ी बनने के बाद। चलते हैं यार। हम जला चुके हैं, अभी इसे चलाते हैं यार। तो एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे इसमें अभी लगानी है, तब जाके मैं इसमें से भी शॉर्ट्स बना सकता हूँ, अच्छे अच्छे सिनेमैटिक्स, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स। तो वो ज़रा इंस्टॉल करते हैं, इसे आज ही मंगाया मैं, बाल बहुत लंबे हो गए यार, बड़ी दिक्कत हो रहा है, क्या करें, इनका भी अभी चलता है यार। ऐसे तो गाड़ी सर्विस में दे रहा हूँ था, इसलिए सब कुछ मैंने इसे निकाल लिया अपनी एसेसरी, बट अभी वीडियो बनाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। ये देख सकती हैं मोबाइल स्टैंड है यहाँ पर, जब मैं मोबाइल लगा के इससे कुछ सिनेमैटिक शॉट निकाल सकता हूँ, और जैसे बाहर कुछ चलूँगा तो उसके भी सिनेमैटिक शॉट अच्छे से बनेंगे। तो इसे लगा लेते हैं और इसको लगाने के बाद गाड़ी कैसे से निकल गए, चलते हैं। तो यार NH पे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, गाड़ी के साथ साथ ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है, बट एक एक्सपीरियंस ड्राइवर कर सकता है। खैर मेन प्रॉब्लम तो होती है लाइटिंग की यार, क्योंकि लाइट तो आप देख नहीं सकते हो। जाम क्यों है यार, ट्रैफिक जाम क्यों है। सनग्लासेस पहन लिया मैंने, धूप आ रही थी, क्योंकि तो यार देख सकते हैं अभी जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ी बातें हो रही हैं।
देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। अभी तो मैंने शुरुआत ही की थी, अभी यार जाम कम से कम और 10 किलोमीटर है। चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, इसी वजह से जाम था यार। पर कोई नहीं, फंसा तो दिया हम लोगों ने इसमें, क्या कर सकते यार। पर आधा रोड खोदा हुआ, आधा रोड फिर से प्लास्टर हो रहा है या क्या, अलकतरा वाला काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ जैसे मैं बता रहा था कि कार पे चलाते चलाते ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। एक बंदा हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाए ये काम, खाली रोड में ही बस कर सकते हैं अपन। चलो गाना सुना जाए। अभी मैं खड़ा हूँ 0 माइल वाले पुल पे, जो 0 माइल के ऊपर जो पुल है, ये रही मेरी कार। तो यहाँ पे इसे तो बनवाने में आगे जा रहा हूँ सरिस्ताबाद, तो मैं सोच रहा कि थोड़ा सा यार जहाँ मैं फंस के थक गया तो थोड़ा उतर जाऊँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो सरिस्ताबाद वाला पुल, मतलब ये जो 0 माइल वाला पुल है, इसके इस साइड जो है वो ISBT पटना है, और यहाँ पर अपना काम हो रहा है जो कि मेट्रो वाला काम है वो यहाँ से सीधे। तो ये पिलर वहाँ बने हुए हैं, खैर उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट सीन बड़ा अच्छा लगा था, सोचा कि उतर के थोड़ा वीडियो बना लिया जाए। यार मज़ा आता है यार ब्लॉगिंग करने में, अकेले में बनाने में तो और भी मज़ा आता है, कोई ना हो तो पूरा फ्रेम कैप्चर कर लिए एक तरह से। खैर चला जाए। गाड़ी बड़ी गंदी हो गई मेरी। यहाँ पे जो है ना, यही वाला जो मेन ठोका हुआ, ये पूरा बम्पर है, यहाँ पे डिक्की भी टेढ़ा है, पता नहीं कितना ज़ोर से ठुकवा के ये लोग लाए हैं। कोई नहीं, जो भी ठोकवाया वो ठीक हो जाएगा, जा रहे उसी काम के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे कैमरा सेटअप कर चुके हैं, तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे तो GoPro नहीं लग सकता है मेरा, तो मेरा यहाँ पे अपना फ़ोन सेट किया है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत मुश्किल से ब्लॉगिंग हो रही है यार आज की। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ी सी मशक्कत है, बट कुछ नया करने का ट्राई करो, ऐसे ही नया नया करो। अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो 4 लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। यार सपोर्टर 4 ही या 2 होते हैं, सपोर्टर 6, 7, 8 नहीं होते हैं, कम ही सपोर्टर हो, क्योंकि बाकी सब तो फेक है, दुनिया में मोस्टली लोग फेक ही हैं यार। कंग्रेचुलेट कर देंगे, बट यार पीठ पीछे वही आपकी बुराई करते हैं, तो वैसे तो हमें चाहिए नहीं आप मेरा। तो वो हेलमेट इसलिए है, हेलमेट इसलिए क्योंकि यार अभी गाड़ी दूंगा तो उधर से वापस आना है, तो मेरा भाई आ रहा है पीछे से बाइक लेके, तो भाई के साथ वापस लौटना है, तो हेलमेट ज़रूरी है यार। आज वो पता ही है ट्रैफिक रूल्स इतने ना, इतने कड़े से पालन किए जा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के, लोग क्या ही कर सकते हैं। अरे मेरा भाई ही है, आगे देख सकते मेरा भाई है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देख सकते हैं ये जो अभी अपाची पे जैकेट में, ये मेरा भाई ही है। मैं रुक के जा रहा था ताकि टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि लेट लगती आदमी है। अपन कैमरा एंगल बदल बदल के बात करेंगे, यहाँ पे लगाया एक अपन हाथ के पास, अपने हाथ में ट्राइड वीडियो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा, पता था मेरे को भी समझ में आ जाए। तब तक के लिए कुछ करेंगे नहीं, कुछ पता कैसे चलेगा। आई 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 यार, लेकिन यहाँ पे भी जाम है, यहाँ पे हमेशा जाम रहता है। पटना सेंट्रल स्कूल PCS बोल, मतलब 90 फिट, हाँ 90 फिट पहुँच गए। जी भर जी गाना नहीं बजा रहा ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, वरना यार म्यूज़िक के बिना गाड़ी चलाने का ही क्या ही मज़ा। तो लाइट पकड़ के देखते हैं।
सीतापुर आप या तो हम लाल धूप रोक ही सकते हैं या फिर हम धूप बचा भी सकते हैं। बहुत सारा झंझट होता है यार इसमें। ऐसे देखें ऐसे देखें, ले छोड़ो। मास्क पहन के तैयार है यार, क्योंकि यहाँ पे मीठापुर बस स्टैंड के पास जो पुराना बस स्टैंड था मोड़, तो यहाँ पे पुलिस अभी भी रोकती है यार। पुलिस पता नहीं आगे क्यों है, जबकि कोई रूल नहीं है कि अकेला आदमी जा रहा हो तो आप मास्क पहनिए ही कार में। बट छोड़िए, तो अभी चल रहा है गाड़ी का इंस्पेक्शन, उसके बाद गाड़ी जाएगी अपने इंश्योरेंस में। देखते हैं यार, बहुत टाइम लग रहा है। तो ये था अलंकार मोटर जहाँ पे मैंने अभी अपनी गाड़ी दे दी। तो यार ऐसा है इन लोगों के सर्विस सेंटर में कि यहाँ पे क्या फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इस वजह से मैंने अंदर कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, अंदर कुछ वीडियो नहीं बनाया। ये मुझे पहले से ही पता था क्योंकि मैं हमेशा सर्विस करवाता हूँ यहाँ पे। तो यार यहाँ से अब निकलते हैं, गाड़ी तो गई अपनी, अच्छा खासा काम हो गया। तो मैं भाई अब चलते हैं हम लोग अपना यहाँ से करके करें मशक्कत के बाद। यार पटाटा पूरी पूरी खाता हूँ, इसके बाद निकलता हूँ डायरेक्ट घर पर। बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बटाटा पूड़ी, इसे खाते हैं उसके बाद चलते हैं यार। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग घर यार, बटाटा पूड़ी खाने के बाद उधर से निकले हम लोग, थोड़ा रेस्टोरेंट गए, थोड़ा खाए, थोड़ा रिलैक्स किए, और उसके बाद फिर मैंने बाइक चला के मैं घर पे आया हूँ डायरेक्ट। तो अभी बज रहे हैं शायद रात के 8, और अभी तक घर पहुँच गए। पीछे देख रहे हैं मेरा गिटार है, जल्दी सीख रहा हूँ यार जल्दी बजाना, उसको जल्दी बजा के दिखाऊंगा जब भी बन जाए, जब भी सीख जाऊँ। तो कैसा रहा मेरा दिन, कैसा रहा आपको, कैसा लगा मेरा, आपको ये दिन कैसा लगा ये मेरा वीडियो आपको। तो जैसा भी हो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अपने थॉट्स को हमेशा कमेंट किया कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा के जाइए ताकि आपको सबसे पहले पता चले मेरी वीडियो कब आएगी और कब आई है और लेटेस्ट न्यूज़ जानते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए बाय बाय।